और अब बुलेटिन के आखिर में खबर अजमेर से, जहां दरगाह बाजार में बीते कुछ महीनों में बच्चा चोरी होने के लगातार 3 मामले सामने आए। पिछले 6 महीनों में दरगाह इलाकों में हुई बच्चा चोरी का मामला कहीं ना कहीं दरगाह की आस्था को बदनाम करने वाले कुछ असामाजिक तत्व दरगाह इलाके में सक्रिय है, तभी तो दरगाह इलाके में बच्चा चोरी होने के मामले में इजाफा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं पिछले 6 महीनों में बच्चे चोरी होने के 3 बड़े मामले। घटना नंबर 1, 17 जुलाई 2012 दरगाह परिसर से हुआ बच्चा चोरी। 6 महीने का नासिर अपनी मां के साथ हैदराबाद से आया था। दरगाह में जियारत करने के लिए आया था नासिर। एक अनजान महिला ने 6 माह के नासिर को चुराया और फरार हो गई। दरगाह में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुआ मामले का खुलासा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 6 महीने का मासूम बच्चा नासिर अपनी माँ फातिमा बेगम और मामा मोहम्मद हाजी के साथ आया था। सोमवार की रात दरगाह में हुई कव्वालियों को सुनने में ये जायरीन परिवार लेट हो गया और रात को 1 बजे दरगाह परिसर में ही सो गया, जहां एक अनजान महिला नासिर को चुरा कर फरार हो गई। बच्चा चोरी होने का मामला दरगाह पुलिस को पता लगा तो दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद ली गई और फुटेज में बच्चा चुराने वाली महिला की तस्वीर कैमरे में कैद थी। घटना नंबर 2, 4 अगस्त 2012 दरगाह के पास एक होटल का मामला। एक बाबा ने नफीसा के भरोसे का किया खतलेआम। बाबा ने हमदर्दी जताते हुए नफीसा के साथ की धोखाधड़ी। नफीसा के 2 साल के मासूम को बाबा चुरा कर हुआ फरार। इस मामले में अजमेर पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। घटना नंबर 3, 27 दिसंबर 2012 दरगाह इलाके की घटना। शबीना के आंचल से जुदा हुआ 15 दिन का नवजात। शबीना की दोस्त सुल्ताना की बहन ताजो ने 15 दिन के नवजात को चुराया। दरगाह पुलिस ने नवजात को किया बरामद। दरगाह पुलिस ने ताजो को किया गिरफ्तार। ये घटना उस समय घटी जब शबीना नाम की एक महिला अपने इलाज कराने के लिए गुरुवार की शाम अस्पताल गई थी। अस्पताल जाने से पहले शबीना अपने 15 दिन के इस नवजात को अपनी छोटी बहन परवीन को सौंप कर गई थी और जब शबीना वापस आए तो बच्चा गायब मिला। जानकारी के मुताबिक शबीना अस्पताल सुल्ताना नाम की जिस महिला के साथ गई थी उसी की बहन ताजो आई और इस नवजात बच्चे को अपने साथ चुरा कर ले गई। पुलिस ने सुल्ताना की निशानदेही पर शीशा खान के पास ताजो के घर पर छापे मारकर 15 दिन के नवजात बच्चे समेत ताजो को गिरफ्तार कर लिया। दरगाह परिसर और दरगाह इलाके से बच्चा चोरी करने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन दरगाह में जियारत के लिए आने वाले परिवार के साथ हो रही इस घटना से अजमेर पुलिस की साख पर बट्टा लगा है। अजमेर पुलिस को इस मामले की रोकथाम कर बच्चा चोर गिरोह की सक्रियता को खत्म करना होगा, जिससे कि लोगों का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। संजय गर्ग, इंडिया न्यूज़, अजमेर।